हाय स्टूडेंट, हमारा आज का जो लेक्चर है वो है एक्सक्रीशन इन काक्रोच। स्टूडेंट, आपने इससे पहले एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म पढ़ा, एक्सक्रीशन इन प्लेन एरिया पढ़ा, एक्सक्रीशन इन हाइड्रा पढ़ा। तो स्टूडेंट, अब हम काक्रोच की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान सा पॉइंट लिखा है, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोमीन होता है ज्वाइंट और पोडामीन होता है फुट। ऐसे एनिमल्स जिनकी टांगे या पाँव के अंदर जोड़ होते हैं, वैसे तो हमारी बॉडी के अंदर भी, हमारे पाँव के अंदर भी जोड़ हैं, इनको हम कहते हैं ज्वाइंट्स। लेकिन जो हमारे पास इंसेक्ट्स हैं उनको हम, आपको बताएं, जोरदार हशरात भी कहते हैं या जोरदार टांगों वाले जानवर भी कहते हैं। तो वो वाजे नज़र आते हैं बाहर से, एक एक पीस उनका ज्वाइंट्स जो है वो आपको नज़र आ रहे होते हैं, उनको हम बोलते हैं आर्थ्रोपोडा। और एक चीज़ याद रखिएगा कि उनकी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है वो कलरलेस होता है, उसको हम बोलते हैं हीमोलिम्फ। आपने चैप्टर 14 में, जब मैंने आपको ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर पढ़ाया था, तो उसमें आपने ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था। उसके अंदर आपने पढ़ा था कि अर्थवर्म एंड काकरोच के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की कंपैरिजन, उसमें आपने हीमोलिम्फ का वर्ड सुना था। ओके स्टूडेंट, आज हमने ना इसके एक्सक्रीशन के बारे में देखना है। और मेरे पास यहाँ पे मैंने एक ये स्ट्रक्चर बनाया है। वैसे ये पिक्चर जो है ये है इंसेक्ट की, लेकिन काकरोच की एग्जैक्ट नहीं लग रही। ऑफर्स कर लें कि ये काकरोच की ही डायग्राम है। वैसे ये ग्रास हॉपर की लग रही है, घास का टिड्डा जिसको हम कहते हैं, लेकिन वो भी इंसेक्ट है, ये भी इंसेक्ट है। तो चूंकि एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, एक ही मैकेनिज्म है, तो आप फर्ज करें कि ये काकरोच है। ओके स्टूडेंट, जब भी हम काकरोच को देखते हैं तो इसके आगे आपको पता है कि ये इसके एंटीनी होते हैं, हेड है, थोरैक्स है, एब्डोमन है, ऊपर इसके जो है वो पर वगैरह भी होंगे जो काइटन के बने हुए हैं। इसी तरह इसकी टांगे हैं। आप सेकंड ईयर में जो स्पोर्ट एंड मूवमेंट वाला चैप्टर पढ़ते हैं, वहाँ पर आप इसकी मूवमेंट पढ़ते हैं कि भाई फ्रंट वाली जो है वो पुल कर रही होती है, सेंटर वाली प्रॉप के तौर पे यूज़ करती है, पीछे वाली पुश करती है। मीन कि इनकी टांगों के भी डिफरेंट फंक्शंस हैं। लेकिन हमने किसको पढ़ना है? हमने पढ़ना है आज इसके, आपका जो काकरोच है उसकी एक्सक्रीटरी सिस्टम को। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम को पढ़ाने के लिए स्टूडेंट, इसके आपको डाइजेस्टिव ट्रैक के बारे में क्लियर होना चाहिए। ज़रा गौर से डायग्राम को देखिएगा कि जब भी हम काकरोच के डिजेस्टिव ट्रैक को देखते हैं, ये इसका माउथ है यहाँ पे, और लास्ट पे यहाँ पे इसकी जो है क्लोएकल ओपनिंग होगी, जिसके ज़रिए जो है ये वेस्ट को रिलीज करता है। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि इसकी खुराक वाली जो नाली है, इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे फ्रंट पे जो है इस, यहाँ तक इसको बोलते हैं फॉरगट, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसको हम बोलते हैं मिड गट, और सबसे लास्ट वाली जो है उसको बोलते हैं हाइंड गट। फॉरगट का मतलब ही सामने वाली होता है, मिड मीन दरम्यान, हाइंड मीन पीछे वाली। स्टूडेंट, जब भी आप गट को देखते हैं तो गट के तीन पार्ट, फॉरगट, मिड गट एंड हाइंड गट। ऐसे ही हमारे पास आर्थ्रोपोडा के अंदर ब्लड की तरह का कलरलेस मटेरियल जो है उसको हम हीमोलिम्फ कहते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक और गट के बारे में मैंने बता दिया। अब मैं आपको इसकी बताता हूं एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। स्टूडेंट, होता इस तरह है कि जब ये खुराक खाता है, जब खुराक इसकी इसके डाइजेस्टिव ट्रैक में मूव करती है, जाहिर बात है कि वो खुराक जो है इसमें अब्जॉर्ब भी होगी, बॉडी के अंदर, बॉडी के डिफरेंट पार्ट में भी जाएगी। होता इस तरह है कि जब भी आप इसको देखेंगे तो इसकी मिड गट में ना कुछ ब्लैक कलर की बाहर को फिंगर की तरह के स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, जिनको हम बोलते हैं मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। ये जो मालपीजियन ट्यूब्यूल्स है, इनके साइडों पे यहाँ पे बेशमार वेस्ट वगैरह भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं अगर आपको ये मालपीजियन ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर यू बनाऊँ, ये मालपीजियन ट्यूब्यूल्स है। आप मालपीजियन ट्यूब्यूल्स के बाहर यहाँ पे ये कुछ वेस्ट और मिनरल न्यूट्रिएंट हैं, होगा क्या कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ से डिफ्यूज़ करके मालपीजियन ट्यूब्यूल्स के अंदर आ जाएंगी। किसके अंदर आ जाएंगी? मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। मीन के मालपीजियन ट्यूब्यूल ऑलरेडी किसके साथ अटैच है? मिडगट के साथ। और यहाँ पे क्या होगा कि बाहर से अमोनिया जो है
वो भी ट्यूब के अंदर आ जाएगा। इसके अलावा और भी जो वेस्ट वगैरह हैं वो बॉडी के बाहर से जो हैं वो ट्यूब के अंदर आ जाएंगे, ट्यूब के ल्यूमन में आ जाएंगे। और याद रखिएगा कि जब वो ट्यूब के ल्यूमन में आएंगे तो ट्यूब से वो मूव करते हुए आगे किस में चले जाएंगे, मिड गट में। स्टूडेंट, ये किंगडम एनमेला का ऐसा फाइलम है जिसमें इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों मिले हुए हैं। अब होता क्या है कि जब इसकी बॉडी में यूरिक एसिड की फॉर्म में वेस्ट रिलीज होता है, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में 5 या 6 लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये डिपेंड करता है आपके नाइट्रोजनस वेस्ट की रिलीजिंग डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। जितनी वाटर की कॉन्सेंट्रेशन होगी उसके मुताबिक जो है उसका वेस्ट उतना बनता है या उस तरह रिलीज होता है। स्टूडेंट, होता यह है कि जब मालपीजियन ट्यूब्यूल वेस्ट को ऑब्जॉर्व करती है, ऑब्जॉर्व करके उसको मिड गट में डालती है, मिड गट से वो चला जाता है हाइंड गट के अंदर। मालपीजियन ट्यूब्यूल के फंक्शन की समझ आ गई है कि मालपीजियन ट्यूब्यूल जो है वो पूरी बॉडी से वेस्ट को इकट्ठा करते हैं, क्योंकि ये देखिए मालपीजियन ट्यूब्यूल बंद है, बाहर से चीज़ डिफ्यूज करके इसके अंदर आएगी, अंदर आके इससे वो चला जाएगा मिड गट के अंदर। देखो, वेस्ट और मिड गट खुराक की नाली दोनों चीज़ें आपस में मिल रही हैं, मीन के एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड डिजेस्टिव सिस्टम। ओके, अब दोनों मिलके आगे जब चले जाएंगे रेक्टम के अंदर, तो रेक्टम में क्या होता है कि अगर पानी की शॉर्टेज बहुत कम है तो वहाँ पे रेक्टम में वाटर ऑब्जॉर्व कर लिया जाता है, और इसका जो यूरिक एसिड होता है वो अक्सर बॉडी से रिलीज होता है क्रिस्टल की फॉर्म में। इसका जो एक्सक्रीटा होता है, इसका जो वेस्ट है, वो एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर, लॉन्ग अरसे के लिए जब इसको पानी नहीं मिलता तो जाहिर बात है कि ये अपने वेस्ट को यूरिक एसिड में रिलीज करवाता है, और रेक्टम में इतना पानी ये अब्जॉर्व कर लेता है, वही यूरिक एसिड जो है वो क्रिस्टल की फॉर्म में इसकी बॉडी से रिलीज होता है। तो ऐसे हमारे पास जो है वेरी सिंपल एक्सक्रीशन इन कॉकरोच है। तो स्टूडेंट, यो हमारे एक्सक्रीशन इन रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स में मैंने हाइड्रा, प्लेन एरिया, अर्थवर्म और काकरोच जो है जो आपके साथ डिस्कस किए हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल्स में वर्टिब्रेट की। ये जितने भी मैंने बताए हैं ये इनवर्टिब्रेट है। इसके बाद मैं वर्टिब्रेट को डिस्कस करूंगा और उसमें स्पेशली ह्यूमन के हम जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे। आज हम अपनी वीडियो को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। स्टूडेंट, आज के लिए थैंक यू।